1953 का जिक्र है, जब वालिद ने लतीफाबाद में, जो उस वक्त जिला हैदराबाद की नई तहसील बनी थी, वहां एक मकान खरीदा। वालिद महकमाए आबपाशी में क्लर्क के ओहदे पर तैनात थे। उन दिनों तहसील लतीफाबाद में आबादी बहुत कम थी। हमारा मकान जिस ब्लॉक में था, वहां गिनती के चंद मकानात थे, जो हिंदुस्तान से हिजरत करके आने वाले चंद खानदानों को लौट हुए थे। लोगों की अक्सरियत उस वक्त भी हैदराबाद शहर के वस्त में रिहाइश को तरजीह देती थी। हमारे मकान के सामने फकत एक सड़क थी, जिस पर सारा दिन चंद गाड़ियों की आमदोरफ्त रहती। मकानात के इतराफ घना जंगल था, लिहाजा शाम होते ही वालदा हमें घर से बाहर निकलने से मना कर दिया करती। अगर ज़रूरी सामान भी मंगवाना होता तो वालिद शाम को दफ्तर से आते लेते आते। हम चार बहन भाई थे। लतीफाबाद में उस वक्त सिर्फ दो ही गवर्नमेंट स्कूल थे, जहां हम चारों जेरे तालीम रहे। मैं उस वक्त चौथी जमात में पढ़ती थी। मकान खरीदने के एक साल बाद वालिद ने उसमें मज़ीद दो कमरे तामीर करवाए। शुरू में हम सिर्फ एक कमरे में रिहाइश पजीर थे। मकान के दोनों इतराफ खुला सहन था। फिर जगह की तंगी और मेहमानों की आमदोरफ्त को मद्देनजर रखते हुए वालिद ने मज़ीद दो कमरे बनवा दिए। इसके बाद ही पुर इसरार वाक्यात के जन्म का आगाज हुआ। वालिद ने मकान की पिछली तरफ एक बड़ा कमरा बनवाया, जिसका एक दरवाज़ा बाहर की सिमत और दूसरा घर की अंदरूनी तरफ खुलता था। इसी को हमने बतौरे मेहमान खाना इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। छुट्टी के दिन अक्सर वालिद के दोस्त आ जाते और वहाँ शाम तक महफिल जमी रहती। गर्मियों में 2 माह की छुट्टियों में हमारी खाला भी अपने बच्चों के साथ इसी मेहमान खाने में कयाम करती। एक रात खाला को सोते में महसूस हुआ कि उनकी चारपाई पर कोई और भी सोया हुआ है। खाला ने फौरन आंखें खोलकर रोशनी जलाई और देखा तो चारपाई खाली थी, मगर बिस्तर के दूसरी तरफ वाजह तौर पर किसी दूसरे वजूद की मौजूदगी के आसार थे। खाला के बच्चे अपनी अपनी चारपाइयों पर गहरी नींद सो रहे थे। सुबह खाला ने इस बात का जिक्र हम सबके सामने किया, मगर सभी ने इसे उनका वहम करार देकर बात मजाक में टाल दी। चंद दिनों बाद फिर रात को तकरीबन 12 बजे खाला का सबसे छोटा बेटा, जो उस वक्त सिर्फ 6 बरस का था, अचानक चीख मारकर उठा और ज़ोर से रोने लगा। बड़ी मुश्किल से चुप करवाने पर उसने बताया कि सफ़ेद लिबास में मलबूस एक लड़की ने उसे सोते से उठाकर ज़ोरदार थप्पड़ रसीद किया। एक बार फिर अम्मी ने इसे डरावना ख्वाब करार देकर बच्चे को अपने साथ चारपाई पर लिटा लिया, मगर करीब से देखने पर बच्चे के गाल पर उंगलियों के वाज़े निशानात देखकर अम्मी भी सहम गईं। छुट्टियां ख़त्म होने पर खाला वापस चली गईं। उस मेहमान खाने में शाम को वालिद के दोस्तों की बैठक रात 9 बजे के बाद ख़त्म हो जाती थी। हम वो कमरा बंद करके दूसरे कमरों में सो जाया करते। एक रात बड़े भाई की आँख खुल गई। उसे ऐसा महसूस हुआ कि मेहमान खाने की बत्ती खुली रह गई है। जब भाई बत्ती बंद करने मेहमान खाने की तरफ बढ़ा तो क्या देखता है कि कमरे के वस्त में एक खातून, जिसकी पुश्त भाई की तरफ है, खड़ी हुई है। वो सफ़ेद लिबास में मलबूस थी। खौफ के मारे भाई फौरन भागा और अम्मी को उठाया। जब वो कमरे में वापस पहुंचे तो उसे खाली पाया, मगर गुलाब के फूलों की खुशबू पूरे कमरे में फैली हुई थी। एक रात वालिद ने अपने किसी दोस्त को बसद इसरार मेहमान खाने में ही रोक लिया। रात को खाना खिलाने के बाद वालिद ने चारपाई पर उनका बिस्तर और लिहाफ रख दिया और ख़ुद दूसरे कमरे में जाकर सो गए। सर्दियों के दिन थे, लिहाजा रातें तवील और दिन मुख्तसर थे। रात तकरीबन 2 बजे वालिद के दोस्त को महसूस हुआ कि उनके साथ लिहाफ में कोई वजूद गहरी गहरी सांसों के साथ अपनी मौजूदगी का एहसास दिला रहा है। वो हड़बड़ा कर उठे और जब कमरे की रोशनी जलाई तो वहाँ कोई भी नहीं था। खौफ के मारे वो सारी रात बिस्तर पर लेटे जागते रहे और सुबह होने पर वालिद से इस वाक्य का जिक्र किया। अब वालिद भी चौंक उठे और सोच में पड़ गए। शुरू में इन वाक्यात को घर वालों का वहम करार देकर उन्होंने इतनी अहमियत नहीं दी थी, मगर अब दोस्त के साथ पेश आने वाले वाक्य ने उन्हें भी सोचने पर मजबूर कर दिया। 2 माह बाद एक बार फिर अजीब वाक्या हुआ। रात को वालिद प्यास की तलब होने पर नींद से बेदार हुए। पानी पीने जब बावर्ची खाने की तरफ गए तो उन्हें महसूस हुआ कि मेहमान खाने से नस्वानी आवाज में कोई उनका नाम लेकर उन्हें बुला रहा है। मेरे वालिद बेखौफ इंसान थे। वो फौरन मेहमान खाने की तरफ चले। क्या देखते हैं कि कमरे में बत्ती रोशन है और दरवाज़ा भी खुला है। गुलाब की खुशबू पूरे कमरे में फैली हुई थी, जबकि रात को सोने से पहले वालिद खुद इस कमरे की बत्ती बुझाकर इसे बंद करते थे।
इन पुरस्रार वाक्यात का सिलसिला वक्फे वक्फे से जारी रहा। चूंकि घर के तमाम अफराद इन वाक्यात के तकरीबन आदि हो चुके थे, लिहाजा अब हमें डर नहीं लगता था। वो जो कोई भी जनाना हस्ती थी, सिर्फ उस मेहमान खाने में अपने वजूद का एहसास दिलाने के अलावा कभी हमें ना तंग करती और ना ही नुकसान पहुंचाती थी। अक्सर सुबह के वक्त मेहमान खाने का दरवाज़ा खोलने पर हमें कमरे में गुलाब के फूलों की तेज़ खुशबू महसूस होती। कभी कभी रात को मेहमान खाने की बत्ती खुद बखुद जल उठती और कमरे से किसी खातून की हल्की आवाज में बोलने की आवाज़ें आती। अलबत्ता हमारे यहाँ आने वाले मेहमान जरूर इन वाक़यात से खौफजदा हो जाते थे। एक बार वालिद अपने किसी दोस्त के तवस्सुत से एक बारिश साहिब को घर लाए। वो तकरीबन घंटा भर इस मेहमान खाने में कुछ कलमात मुकद्दसा पढ़ते रहे। बाद अज़ां वालिद को बताया कि इस कमरे में ज़रूर एक जनाना वजूद है जो आप लोगों को अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाता रहता है, मगर फिक्र की कोई बात नहीं, ये आप लोगों को कोई नुकसान नहीं पहुँचाएगा। ताहम आप लोग इस मेहमान खाने को पाक साफ रखें और कमरे में गंदगी फैलाने से गुरेज करें। 1985 में मेरे बड़े भाई ने उस मेहमान खाने और दीगर दूसरे कमरों को गिरवा कर वहाँ नए कमरे तामीर करवाए और मकान को मज़ीद पुख्ता करवा दिया। इसके बाद इन पुर इसरार वाक़यात के जन्म लेने का सिलसिला यकलख रुक गया। तो ये थी आज की हॉरर स्टोरी। उम्मीद है आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।